आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आयुषी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है वाटरमेलन जूस। गर्मियों में जूसेस पीना सभी को पसंद होता है और वाटरमेलन जूस तो बहुत ही लाजवाब बनता है। इसके साथ ही बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा तरबूज लिया है। ये 2.5 किलो का है, लेकिन हम इसे सारा यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसमें से लगभग 1 किलो तरबूज ही यूज़ करूँगी। इसके लिए हम इसे बीच में से इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद मैं इसका बड़ा वाला पार्ट फ्रिज में रख दूँगी, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और हमें जिस तरबूज का जूस बनाना है उसमें से मैं थोड़े से पीसेस गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी। इसके लिए मैं इस तरह के स्कूप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। इस वक्त मैंने तरबूज के नीचे एक बोल लगा दिया है ताकि वो इधर उधर लुढ़के नहीं। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसके राउंड या छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस निकाल लें। गार्निशिंग के लिए थोड़े से पीसेस निकालने के बाद अब हम इसे साइड में रख देंगे और बाकी के बचे हुए तरबूज को स्क्रैच कर लेंगे। इसे स्क्रैच करने के लिए इस तरह का कोई शार्प स्पून ले लें और इसे इस तरह से घुमाते हुए तरबूज के पल्प को बाहर निकाल लें। मैं इसे इस तरह से इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं इसके जूस को इसके कवर में ही सर्व करने वाली हूँ। अगर आप इसे ग्लास में सर्व कर रहे हैं तो आप इसके पीसेस काट कर इसे निकाल सकते हैं। जब आप इसके कवर में ही जूस डालकर सर्व करते हैं तो बच्चों को ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है और वो इसे खूब इंजॉय करते हैं। और इस तरह से इसको स्क्रैच करके निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो आप कोशिश करें कि एक बार इस तरह से ट्राई करके देखें। क्योंकि तरबूज का छिलका काफ़ी मोटा होता है तो सारा पल्प निकालने के बाद हम इसे एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रैच कर लेंगे। इससे ये पतला हो जाएगा और जूस पीने में आसानी रहेगी। ये देखिए, ये काफ़ी पतला हो गया है और अब यहाँ से आराम से जूस पिया जा सकता है। अब इसे साइड में रख देंगे और हमने जो तरबूज का पल्प निकाल के रखा हुआ है उसे एक ब्लेंडर में शिफ्ट करेंगे। मैं इसे ब्लेंड करने के बाद छान लूँगी, इसलिए मैं इसके सीड्स नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन अगर आप इन्हें निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। वैसे ये न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और जब ये जूस के साथ पिस जाते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स भी जूस में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें साथ ही ब्लेंड करती हूँ। अब इसमें 15-20 ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 7 से 8 तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ। इससे जूस को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इन्हें स्किप कर दें। 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपका तरबूज ज़्यादा मीठा है तो इसे स्किप कर दें। 5 से 7 ml या 1 बड़े नींबू का रस डालेंगे, इससे जूस में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसके साथ ही 1/4 teaspoon नमक, 1/4 teaspoon काला नमक, 1-2 pinch काली मिर्ची का पाउडर और 1/4 teaspoon चाट मसाला डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसे मिक्सी को रोक रोक कर चलाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए, ये बढ़िया से पिसकर तैयार हो गया है। मैंने तरबूज के बीज भी इसके साथ ही पीस लिए थे, इसलिए हम एक मोटे छेद वाले स्ट्रेनर से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसे बीज निकाल कर पीस रहे हैं तो आपको इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। इसे छानने के बाद इसमें काफ़ी सारे बीज निकले हैं, वैसे ये एडिबल होते हैं और अगर आप इसे ना भी छानें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जूस को सर्व कर लेंगे और सर्व करने के लिए हम इसे इसके कवर में ही डालेंगे। इसमें ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अब इसके गार्निशिंग के लिए हमने अलग से जो तरबूज बचा के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। जूस बनाने के लिए मैंने बिल्कुल ठंडे तरबूज को यूज़ किया था, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये ज़्यादा चिल चाहिए तो इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल लें। आइस डालने के बाद एक बार इसे मिला दें और ठंडा ठंडा सर्व करें। तरबूज अपने आप में ही बहुत हेल्दी होता है और हमने इसमें पुदीना, तुलसी और नींबू डालकर इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बना दिया है। इस तरह से वाटरमेलन जूस बहुत ही डिलीशियस बनता है और इसका टेस्ट कमाल का होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और मुझे बताएं ये आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।